हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जब भी जो भी लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एडमिशन का सम सॉल्व करेंगे, जिसमें एक सम है द ट्रायल द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा। सुजाता एंड पूर्णिमा ये दोनों पार्टनर्स हैं हु शेयर्ड प्रॉफिट इक्वली। जो दोनों पार्टनर्स प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं, इक्वली। इक्वली मीन्स 1:1, दोनों हाफ हाफ। बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 का दिया हुआ है। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर में आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट ही दिया जाएगा, ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा नहीं। इसी से आपको क्या करना है, आगे का जो सॉल्यूशन है उसको आपको कंप्लीट करना है। किस तरीके से करना है इस लेक्चर के अंदर में अच्छे से आप समझ लेना। हर एक चीज़ को मैं बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना और उसको समझना। बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 का है। सबसे पहले आपने क्या करना है, बैलेंस शीट के अंदर में जो कुछ भी दिए हुए हैं आइटम्स उनको आपने एक बार टिक मार्क कर लेना है। उसके बाद फिर आगे एडजस्टमेंट दी है, उन एडजस्टमेंट को आपने क्या करना है, टिक मार्क करके लेना है। सो फर्स्ट है लाइबिलिटीज़ के अंदर में दिया हुआ है कैपिटल सुजाता और पूर्णिमा का, तो ये दोनों भी हम लिखने वाले हैं कैपिटल अकाउंट में। देन दिया हुआ है क्रेडिटर्स, ऑब्वियसली जाएगा लायबिलिटी में। बिल्स पेबल दिया है, वो भी जाएगा लायबिलिटीज़ में। तो लायबिलिटीज़ में ये तीन चीज़ें ही दी हुई है। उसके बाद हम आ जाते हैं एसेट्स में। एसेट्स में सबसे पहले दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, इसको आपने लिखना है एसेट्स में। प्लांट एंड मशीनरी, इसको आपने लिखना है एसेट्स में। फर्नीचर है, इसको भी आपने लिखना है एसेट्स में। डेटर्स है, इसे भी आपने एसेट्स में लिखना है। स्टॉक है, इसको भी आपने एसेट्स में लिखना है। उसके बाद कैश दिया है, कैश को आप डायरेक्टली एसेट्स में भी लिख सकते हो, अदरवाइज इसके लिए आप एक सेपरेटली छोटा सा कैश का अकाउंट बना दो, वो आपके लिए थोड़ा बेटर हो जाएगा, इजी हो जाएगा आगे के सम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए ये बाकी की सारी चीज़ है, एसेट्स में तो एसेट्स में ही चली गई, लेकिन जो कैश दिया हुआ है इसके लिए मैं क्या करूँगा, कैश का अकाउंट प्रिपेयर करूँगा। इसलिए इस कैश को मैं क्या करूँगा, कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा। देन उसके बाद आगे एडजस्टमेंट दी हुई है, ऑन 1 अप्रैल 2018 बैलेंस शीट दिया था 31 मार्च 2018 का, और यहाँ पे डेट दिया है 1 अप्रैल 2018, एग्जैक्टली एक दिन बाद है डेट। अपर्णा ज्वाइंस द फर्म, अपर्णा यहाँ पे क्या कर रही है, जो फर्म को ज्वाइन कर रही है, मतलब यहाँ पे जो अपर्णा है ये अपर्णा कौन है, न्यू पार्टनर है। कौन है ये, न्यू पार्टनर, एज अ थर्ड पार्टनर। आगे देखो लिखा भी है एज अ थर्ड पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, कितने के लिए वो आ रही है, 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। नीचे के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बेस पर अपर्णा को हम क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म के अंदर में ज्वाइन कर रहे हैं। जो टर्म्स एंड कंडीशन में फर्स्ट ए कंडीशन जो दी है, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2 लाख। आपको क्वेश्चन के अंदर में, इस क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट डायरेक्टली दिया हुआ है, आपको गुडविल कैलकुलेट करना नहीं है। तो इस सम के अंदर में ₹2 लाख एज अ गुडविल है, तो आपको ये गुडविल का ट्रीटमेंट देना है। कैसे देना है, जब मैं सॉल्व करूंगा उस टाइम इसको समझाऊंगा। अपर्णा इज टू बी ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, किसमें ला रही है, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹1 लाख। अपर्णा क्या कर रही है, अपना शेयर ला रही है किसमें, कैश में। तो मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस के अंदर में गुडविल के ट्रीटमेंट को लेकर मैंने आपको समझाया था कि गुडविल दो कंडीशंस में आपको उसको ट्रीटमेंट करना है। ये कंडीशन ये है कि वो कैश में गुडविल ब्रिंग करेगा पार्टनर, और दूसरा है नहीं करेगा। तो ये सम कौन सा है, इस सम के अंदर में जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल क्या कर रहा है, कैश में ब्रिंग कर रहा है। सेकेंड कंडीशन मीन्स बी कंडीशन है, अपर्णा इज टू बी ब्रिंग इन 1 लाख एज अ कैपिटल। अपर्णा क्या कर रही है, ₹1 लाख एज अ कैपिटल लेकर आ रही है। उसके बाद सी कंडीशन है, ए प्रोविजन ऑफ 10% टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो ये आपको जो सी एडजस्टमेंट है इसके लिए आपको क्या करना होगा, डेटर्स को एक टिक करना होगा। उसके बाद है नेक्स्ट डी, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट ₹80,000।
लैंड एंड बिल्डिंग को आपने क्या करना है, टिक करना है. स्टॉक, स्टॉक्स प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%. तो आपने क्या करना है, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी को टिक करना है. स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी. चलो अब हम देखते हैं कि सम कैसे सॉल्व करना है, इसमें कितने अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे. स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले जैसे कि बैलेंस शीट के अंदर में लायबिलिटीज में दिया था कैपिटल सुजाता और पूर्णिमा का, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन. क्या लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन. दोनों का जो कैपिटल है वो दिया है, सुजाता का 1 लाख और इसका दिया है 1,40,000. अपर्णा जो है वो न्यू पार्टनर है. एक बार पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो सम है इसके अंदर में हमने कौन से अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है. सबसे पहले हमने अकाउंट प्रिपेयर करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट. कौन सा अकाउंट बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट. इस अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं. सो कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन में बोलेगा के प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, या कभी कभी आपको बोलेगा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. दोनों भी अकाउंट सेम ही है, एक ही चीज़ है. उसके बाद में हमने यहाँ पे उसके बाद प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर में अभी टोटल हमने 3 पार्टनर्स के कॉलम बनाने हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 2 पार्टनर्स के नाम दिए थे और तीसरा जो पार्टनर है उसे हमने एडमिट किया, इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल के अंदर में 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं. उसके बाद में जैसा कि हम एसेट्स और लायबिलिटी मतलब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. अब बैलेंस शीट में यहाँ खासकर ध्यान देना है आपने कि आपको जो बैलेंस शीट है क्वेश्चन में 31 मार्च 2018 का दिया हुआ था. कब का दिया था, 31 मार्च 2018 का. और यहाँ पे जो अपर्णा है वो न्यू पार्टनर है. वो न्यू पार्टनर एडमिट कब हुई है, बिजनेस में इंटर कब कर रही है, वो एंटर कर रही है 1 अप्रैल 2018 को. तो ये जो बैलेंस शीट के ऊपर जो डेट आएगा वो आएगा 1 अप्रैल 2018. उसके बाद मैंने कहा था कि हम एक अकाउंट एज अ रफ वर्क या वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे, कैश अकाउंट, और एक अकाउंट और प्रिपेयर कर लेंगे, दैट इज गुडविल अकाउंट. कौन सा अकाउंट, गुडविल अकाउंट. तो चलो सबसे पहले बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए थे वो मैंने लिख दिए हैं. उसके बाद में लायबिलिटीज में दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो ऑलरेडी हम लायबिलिटीज में लिखेंगे. तो क्रेडिटर्स जिसका अमाउंट दिया हुआ है 34,000, देन उसके बाद दिया हुआ है क्रेडिट लायबिलिटीज में बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबल का अमाउंट है 26,000. ओके, ये था हमारे लायबिलिटीज में 3 चीज़ें दी थी. पहली थी कैपिटल बैलेंस दिए थे सुजाता और पूर्णिमा के, जिनको हमने कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख दिया. उसके बाद में क्रेडिटर्स दिया हुआ था जिसको हमने लायबिलिटीज में लिख दिया. बिल्स पेबल था जिसको हमने लायबिलिटीज में लिख दिया. अब हम आ जाते हैं एसेट साइड में. एसेट साइड में सबसे पहले दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग को हमने टिक किया था क्योंकि उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, इसलिए हम लैंड एंड बिल्डिंग को लिखेंगे एसेट्स में. एंड लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए हम उसका जो अमाउंट है उसको लिखेंगे इनर कॉलम में. देन नेक्स्ट उसके बाद दिया है प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर भी एडजस्टमेंट है इसलिए हम उसको भी लिखेंगे इनर कॉलम में. एंड प्लांट एंड मशीनरी का जो अमाउंट दिया है वो दिया है 70,000, इसलिए इस पर एडजस्टमेंट है, इसके लिए इसको भी हम लिखेंगे इनर कॉलम में. उसके बाद है फर्नीचर. फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है
सो फर्नीचर का अमाउंट हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे 24,000. देन उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स भी एसेट्स में ही लिखना है. सन्ड्री डेटर्स पर एडजस्टमेंट था, इसलिए इसका जो अमाउंट है वो हमने लिखना है इनर कॉलम में 26,000. उसके नीचे एक लाइन छोड़ देनी है. उसके बाद दिया है स्टॉक, स्टॉक स्टॉक के ऊपर भी एक एडजस्टमेंट है, इसलिए हम स्टॉक को भी लिखेंगे इनर कॉलम में, जिसका अमाउंट है 40,000. और उसके बाद दिया हुआ है कैश. कैश को हम लोग डायरेक्टली यहाँ बैलेंस शीट में भी लिख सकते हैं, उसके ऊपर एडजस्टमेंट आ गई, उसको फिर ऐड करना है. इससे अच्छा है हम क्या करेंगे, उसका अकाउंट प्रिपेयर करके इसका इफेक्ट अकाउंट में दे देंगे. तो उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन. क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट साइड में. एसेट्स का जो बैलेंस हमेशा लिखा जाता है वो डेबिट साइड में लिखा जाता है, और लिखते हैं बैलेंस ब्रॉड डाउन, और जिसका अमाउंट दिया हुआ है 80,000. नाउ उसके बाद ये था हमारा बैलेंस शीट में दी हुई चीजों को हमने क्या किया, पोस्टिंग कर दिया जिसको जिधर पोस्ट करना था. उसके बाद हम देखते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन अभी रीड किया था, अपर्णा ज्वाइन कर रही थी एज अ न्यू पार्टनर, इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट में तीन कॉलम बना के रखे हुए हैं. उसमें सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट जो कहा था वो बोला था गुडविल इज वैल्यूड रुपीज 2 लाख. गुडविल वैल्यूएशन जो किया वो कितना किया, 2 लाख किया. और अपर्णा जो गुडविल है वो क्या कर रही है, कैश में ब्रिंग करेगी. तो कैश में गुडविल ब्रिंग होगा, इसलिए तो यहाँ पर गुडविल की जो हम एंट्री करेंगे या जो इफेक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. गुडविल ब्रिंग इन कैश. जब लास्ट लेक्चर स्टार्टिंग में मैंने जब गुडविल के बारे में बताया था तो बताया था कि गुडविल या तो कैश में लाएगा या तो नहीं लाएगा. ये क्वेश्चन में गुडविल जो है वो क्या कर रहा है, कैश में ब्रिंग कर रहा है. इसलिए यहाँ पर आपने क्या करनी है, दो एंट्रीज पास करनी है, जिसमें फर्स्ट एंट्री होगी कैश में गुडविल लाने की, जो एंट्री होती है कुछ इस तरीके से, कैश अकाउंट डेबिट. क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. अब इसका अमाउंट निकालना है. अमाउंट कैसे निकालेंगे, आपको क्वेश्चन में बोला था कि गुडविल वैल्यूएशन है 2 लाख. कितना है, 2 लाख. अब वो जो गुडविल 2 लाख दिया है वो 2 लाख गुडविल क्या है, पूरे फर्म का गुडविल है. किसका गुडविल है, फर्म का गुडविल है. आपको उसी एडजस्टमेंट में देखो आपको क्या बोला था, अपर्णा इज टू बी ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो उसका शेयर लेकर आएगी. जब मैंने गुडविल कैलकुलेट करवाया था तो मैंने बार बार एक चीज बताई थी कि इसको बोलते हैं गुडविल ऑफ द फर्म, इसको बोलते हैं गुडविल ऑफ द फर्म. वो इसलिए कहा था क्योंकि फर्म का गुडविल है 2 लाख, मतलब वो तीनों पार्टनर का शेयर होता है. हमें सिर्फ क्या करना है, अपर्णा का शेयर कैलकुलेट करना है. तो अपर्णा का शेयर कितना आएगा, इसके लिए आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में आपको एडजस्टमेंट में कहा था कि अपर्णा ज्वाइन द फर्म एज अ थर्ड पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. वो कितने के लिए आ रही है, 1/5 शेयर के लिए बिजनेस में वो क्या कर रही है, आ रही है. इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका गुडविल है उसमें से आपको निकालना पड़ेगा शेयर ऑफ अपर्णा. अपर्णा का शेयर कितना आएगा, 1/5. मतलब सबसे पहले आप 2 लाख का 1/5 कैलकुलेट करोगे तो 1/5 जो गुडविल आएगा वो गुडविल आप निकालते. 5 1 5 5 4 20, 4 0 बचे आ गया ये 40,000. तो अपर्णा का जो शेयर है वो कितना है, 40,000. तो अब यहाँ पे जो अमाउंट लिखना है हमने वो लिखना है 40,000. कितना लिखना है, 40,000.
अब उसको ध्यान से देखना है, फर्स्ट सम है इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से जाऊंगा, स्लो मोशन में जाऊंगा, इसलिए कि आपको इस चीज को क्या करना है पहले एक बार अच्छे से समझना है। अब जो ये इफेक्ट है इसका इफेक्ट कैसे देना है ध्यान से अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी कोई जर्नल एंट्री आपको दी जाती है या जब जर्नल एंट्री होती है तो उस जर्नल एंट्री से जो आपको लेजर पोस्टिंग करनी होती है, यह ऑलरेडी आप लोग 11th क्लास के अंदर में जर्नल लेजर पोस्टिंग सीख चुके हो, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम हो चुका, लॉकडाउन भी चल रहा है, आप लोगों का बहुत ही अच्छा पीरियड चल रहा है, घर में बहुत आराम फरमा रहे हो, इसलिए मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लें और इस चीज को सही से समझने की कोशिश करें। देखो जर्नल एंट्री में कहा है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। आपको देखो यहां पे दो लेजर अकाउंट बने हुए दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहला देखो कैश अकाउंट भी दिखाई दे रहा है, दूसरे अब उसमें आपको मैंने गुडविल का अकाउंट भी बनाया हुआ है, इसीलिए बनाया ताकि आपको अच्छे से इजीली समझा सकूं। कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री के अंदर में आपने कैश अकाउंट डेबिट लिखा हुआ है, तो आपने अकाउंट डेबिट में दिया हुआ है तो आपने क्या करना है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होने वाली है। अच्छा, गुडविल क्रेडिट में है तो गुडविल जो अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में एंट्री होने वाली है। अब दो चीजें समझ में आ गई, पहली चीज कैश डेबिट में है तो इतना है कि इसके डेबिट में होने वाला एंट्री, गुडविल क्या है क्रेडिट में है तो गुडविल के क्रेडिट में होने वाला एंट्री। समझ में आया, वापस बोल रहा हूँ, कैश डेबिट है तो कैश के डेबिट में एंट्री, मतलब कैश अकाउंट के इस साइड में एंट्री होने वाली है, और इसी एंट्री के अंदर में गुडविल क्रेडिट है इसलिए गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या होने वाली, एंट्री होने वाली है। अब कैसे होगा, दूसरी चीज, दूसरा एक लॉजिक याद रखना, कभी भी आप जिस अकाउंट में पोस्टिंग करो या करोगे या करते हैं, अकाउंट का रूल है, अब जिस अकाउंट में आप पोस्टिंग करते हो उस अकाउंट में जाके आप वही उसका नाम कभी नहीं लिखोगे, उसका नाम कभी नहीं लिखोगे का मतलब क्या, अब एंट्री क्या डेबिट में है कैश अकाउंट, तो अब मैंने बोला कैश डेबिट में है तो डेबिट साइड में एंट्री होगा, तो डेबिट साइड में आके मैं कैश नहीं लिखूंगा क्योंकि ये कैश अकाउंट है, यहाँ पे मैं कैश नहीं लिखूंगा, यहाँ पे कैश कभी नहीं आएगा, और कैश नहीं आएगा तो क्या आएगा, उसके साथ में कौन है, गुडविल है, तो इसलिए यहां पर आ जाएगा टू गुडविल, क्या जाएगा टू गुडविल, अमाउंट आया था उसका 40,000, तो यहां लिख देंगे हम 40,000। देन अब जैसे कि मैंने बोला कैश के डेबिट में एंट्री होगी तो कैश के डेबिट में कभी कैश नहीं आएगा, तो क्या आएगा, उसके साथ जो अपोजिट में था गुडविल वो मैंने यहां लिख दिया, तो सेम इसी तरीके से अब हम जाएंगे गुडविल में, तो मैंने कहा कि गुडविल क्रेडिट है, गुडविल क्रेडिट है तो गुडविल अकाउंट की कौन से साइड में एंट्री होनी चाहिए, क्रेडिट साइड में एंट्री होनी चाहिए, तो गुडविल के अकाउंट में गुडविल भी नहीं आता, मतलब जिसका आप अकाउंट बनाते हो तो लेजर पोस्टिंग करते समय आपने इतना याद रखना है कि उस अकाउंट में मैंने उसका नाम लिखना नहीं है, जैसे कि कैश में आप कैश नहीं लिखोगे गुडविल लिखोगे, अपोजिट वाले को लिखोगे, उसी तरीके से गुडविल में आप गुडविल नहीं लिखोगे उसके अपोजिट वाले को लिखोगे, तो गुडविल क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगी, और आप यहां पे आके गुडविल नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे कैश लिखोगे, कितना लाया था कैश एज अ गुडविल 40,000 लाया था, आपने उसको 40,000 लिख दिया। अच्छा ये तो हो गया गुडविल का एक एंट्री, मैंने कहा था कि जब गुडविल कैश में लाएगा तो आपने क्या करनी है, दो एंट्री पास करनी है, दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री होगी आपके गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, किसकी एंट्री होगी, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखवा के दी थी, कैसे होगी देखो एंट्री याद कर लो, पीछे मैंने बोला था याद करने के लिए, गुडविल अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा याद करिए बताओ फटाफट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या आएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहां पे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो कौन है,
ओल्ड पार्टनर्स है सुजाता एंड पूर्णिमा, तो ये दोनों का अकाउंट यहाँ पे क्या करना है आपने, क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ इस तरीके से, सुजाता's कैपिटल अकाउंट टू पूर्णिमा's कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री होगी फिर हमारी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुजाता कैपिटल अकाउंट टू पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है। अमाउंट यहाँ पे आपको क्या लिखना है, फिलहाल अभी क्वेश्चन में आपको इनका एक प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ था, इक्वली दिया हुआ था। फिलहाल इस क्वेश्चन में आप गुडविल दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आगे के क्वेश्चंस में मैं बताऊंगा कि गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और कब करना है कब नहीं करना है बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे हम गुडविल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो टोटल गुडविल है 40,000, दोनों पार्टनर्स में अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 40 का क्या करेंगे हाफ, मतलब 20,000 एंड 20,000 ये आ गया। अब क्या करना है, इसका लेजर पोस्टिंग करना है। अब इसका लेजर पोस्टिंग करना है मतलब क्या, वही चीज करनी है आपको। देखो आप सबसे पहले डेबिट में है गुडविल, तो क्या होगा, गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होगा। अब यहाँ पे क्रेडिट है सुजाता और क्रेडिट है पूर्णिमा, इसका मतलब सुजाता और पूर्णिमा के अकाउंट में कौन सी साइड में एंट्री होगी, क्रेडिट साइड में। आई बात समझ में, क्या होगा, गुडविल डेबिट है तो गुडविल के डेबिट में लिखेंगे टू सुजाता कैपिटल टू पूर्णिमा कैपिटल। ये एज अ वर्किंग नोट मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे शॉर्टकट या थोड़ा सा इसे लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से समझ लें। इसको 20,000 दिया था, इसको भी 20,000 दिया था, 20-20 हो गया 40। सेम अब क्या करना है, सुजाता और पूर्णिमा दोनों क्रेडिट है, इसलिए ये दोनों के क्रेडिट साइड में, कैपिटल के क्रेडिट साइड में हम जाके लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय गुडविल अकाउंट। अब ये गुडविल लिख दिया, अब आपको जो अमाउंट है 20-20 वो किसका था, सुजाता का था और पूर्णिमा का था, इसलिए यहां लिख देंगे 20,000 और यहां लिख देंगे 20,000। इसके लिए कोई अमाउंट नहीं था एंट्री के अंदर में, उसको डैश कर देंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाने से पहले गुडविल कैश में लाया, दो एंट्री हो गया। मैंने कहा था कि गुडविल विड्रॉ करने की भी एंट्री होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर भी गुडविल विड्रॉ करने के लिए बोला नहीं है, इसलिए वो तीसरी एंट्री इसमें होने वाली नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जो बी है, अपर्णा इज टू बी ब्रिंग 1,00,000 एज अ कैपिटल। अपर्णा क्या करेगी, 1,00,000 रुपए एज अ कैपिटल लेकर आ रही है बिजनेस के अंदर में, तो उसकी जो जर्नल एंट्री होगी कैपिटल ब्रिंग इन कैश। अब अपर्णा क्या कर रही है, कैपिटल लेकर आ रही है, क्या लेकर आ रही है, कैपिटल। सो कैपिटल कितना लेकर आ रही है, 1,00,000, जिसकी एंट्री मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में क्या की थी, लिख के दी थी। क्या एंट्री होगी बताओ फटाफट, देखो बिजनेस में कैश आ रहा है तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट। क्या आ रहा है बिजनेस में, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू। ये कैश कौन ला रहा है, ये ला रहा है, लाने वाला कौन है, न्यू पार्टनर है, इसलिए यहां पे हम लिखेंगे अपर्णा कैपिटल। क्या लिखेंगे यहां पे, अपर्णा कैपिटल, वो कितना लेकर आ रही है, 1,00,000। सो यहां लिख देंगे हम 1,00,000। देन अब इसका एंट्री पोस्टिंग करनी है, सेम तरीका वही है जैसे मैंने आपको ऊपर पहले सिखाया था। देखो फिर से एंट्री के अंदर में कैश डेबिट है, अपर्णा क्रेडिट है, इसका मतलब कैश के डेबिट में होगी एंट्री, अपर्णा के
क्रेडिट में होगी एंट्री, कैश के डेबिट में कैश नहीं लिखेंगे, अपर्णा के क्रेडिट में अपर्णा नहीं लिखेंगे, तो क्या करेंगे उसको उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो पोस्टिंग कैसे होगा, कैश के डेबिट में टू अपर्णा, कैपिटल 1 लाख लाई इसलिए यहां लिखेंगे 1 लाख, और उसके बाद अपर्णा कैपिटल में लिखेंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि अपर्णा क्रेडिट है और क्रेडिट में जाके अपर्णा नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कैश, क्या लिखेंगे कैश बाय कैश अकाउंट। अब देखो कैपिटल कौन लाया, अपर्णा लाइए, कौन लाया अपर्णा, इसके लिए जो अमाउंट आएगा वो आएगा अपर्णा के कॉलम में। आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा सर गुडविल भी अपर्णा ही लाई थी, आया क्या गुडविल फिर अपर्णा में क्यों नहीं लिखा, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था गुडविल जो है वो बिजनेस की वैल्यू होती है और बिजनेस की वैल्यू किसको दी जाती है ओल्ड पार्टनर्स को, इसलिए वो वैल्यू थी जो अपर्णा ने पेड की थी वो मिल गई किसको ओल्ड पार्टनर्स को, और ये जो कैश आया 1 लाख ये किसका है ये अपर्णा का कैपिटल, इसलिए आ गया इसको अपर्णा के अकाउंट में। देन उसके बाद ये जो एडजस्टमेंट है गुडविल और कैपिटल का, ये एडजस्टमेंट आपको हर क्वेश्चन के अंदर में मिलेगी, इसलिए इस एडजस्टमेंट को इनको आपको क्या करना है ध्यान से समझ लेना है। उसके बाद में थर्ड एडजस्टमेंट दी है आपको नॉर्मली, जैसा कि आपने लास्ट और प्रीवियस लेक्चर्स में आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर में आपने पढ़ा था, सेम उसी तरीके से करना है। सबसे पहला दिया है प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड एज सन्ड्री डेटर्स, ये है आरडीडी, क्या है ये आरडीडी, आपको डेटर्स पे 10% आरडीडी चार्ज करने के लिए बोल रहा है। आपको पता है कि आरडीडी हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, सो क्या करेंगे हम सन्ड्री डेटर्स पे 10% प्रोविजन, मतलब क्या करेंगे आरडीडी चार्ज करेंगे, कितना परसेंट 10%, सो 10% आरडीडी ऑन सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है देखो आपको क्वेश्चन में 26,000, सो 26,000 पे 10% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2,600, कितना आ जाएगा 2,600। आपको क्या करना है 2,600 26,000 में से 2,600 को माइनस करना है और उसके बाद आपने उसके अमाउंट को बाहर निकाल देना है। आगे लास्ट में 2 जीरो, उसके बाद में आ जाएगा 4, 10 में से 6 गया 4, ऊपर से लिया था इसलिए नीचे दिया 6 में से 3 गया तो 3 आ गया आपका आंसर 23,400। अब आपने यहाँ पे और थोड़ा ध्यान देना, मैं एकदम एक ट्रिक बताने वाला आपको, बहुत अच्छे से समझ लेना इसको, उसके बाद आपका इफेक्ट देना बहुत ही इजी हो जाएगा। सबसे पहले देखो आपकी जो एसेट्स है, जब एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए, जब एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो उसका जो आपने इफेक्ट देना है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में देना है, कहा देना है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, कब देना है जब एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए। देखो यहां पे सन्ड्री डेटर आपको दिया था 26,000, आपने आरडीडी माइनस किया 2600 तो कितना बच गया 23,400, क्या हो गया आपकी एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई कम, इसलिए इसका जो इफेक्ट है हम कहां देंगे डेबिट साइड में देंगे। तो उसके बाद अगर मैं बोलूं एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ जाए तो क्या करेंगे तो उसको उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे उसका इफेक्ट यहां पर नहीं देंगे यहां पर देंगे, मतलब एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ जाए तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। अब इसको उल्टा करोगे तो लायबिलिटी का इफेक्ट हो जाएगा, अभी फिलहाल मैं आगे बाद में बता देता हूं, फिलहाल इतना याद रखना है। So, इसका जो इफेक्ट है आरडीडी का वो आप लिखोगे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में 2 आरडीडी 2600 कितना लिखोगे 2600। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर डी लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट रुपीज 80,000,
बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन आपके सामने रखो, देखो वहां पे क्या बोल रहा है, देखो आप अच्छे से देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो 80,000 है। क्या बोल रहा है? 80,000 है। ना आपको इंक्रीज बोल रहा है ना आपको डिक्रीज बोल रहा है, आपको क्या बोल रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू क्या है, 80,000 है। आप क्वेश्चन में देखो कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 60,000, कितना दिया है 60,000, लेकिन आपको एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 60,000 नहीं है, कितना है 80,000 है, कितना है 80,000 है। ठीक है, क्या करना है, 80,000 को डायरेक्ट बाहर लिख देना भाई, तुम जो बोलेगे वही मैं करूंगा, एडजस्टमेंट जो बोलेगी वही करना है। सवाल पैदा होगा, अब क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग के घोड़े को दौड़ाओ, समझ में आ जाएगा क्या होगा। अब देखो यहाँ पे 60,000 लिखा हुआ है अंदर, 80,000 बाहर ऐसे ही नहीं आ जाएगा, कुछ तो होगा, माइनस या तो प्लस होगा, सोचो क्या होगा, माइनस या प्लस, प्लस या माइनस, माइनस या प्लस, प्लस या माइनस, प्लस होगा या माइनस, प्लस होगा। 60,000 में अगर मैं 20,000 प्लस कर दूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। तो यहां पर मैं यहां क्या करने वाला हूं, प्लस करने वाला हूं, कितना प्लस करने वाला हूं, 20, 60 प्लस 20 80, तो ये हो गया हमारा रीवैल्यूएशन। क्या हो गया हमारा, रीवैल्यूएशन। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो आपने उसका जो इफेक्ट है वो देना है क्रेडिट साइड में, और अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो उसका इफेक्ट कहाँ देना है, क्रेडिट साइड में। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, बढ़ रही है, तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाय क्या था आपका, लैंड एंड बिल्डिंग। कितना आपका रिवैल्यूएशन हुआ, 20,000 का, तो यहां आप लिख दोगे 20,000, देन नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट ई, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। अब आपको क्या बोल रहा है, प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक को रिड्यूस करना है 20% से, रिड्यूस करना है 20% से। सबसे पहले आपको बोला है स्टॉक, तो आप क्या करोगे, स्टॉक में से लेस कर दोगे 20%, क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, रिड्यूस करने बोल रहा है, मतलब आपको बोल रहा है कम करो, कितना कम करने बोला है, 20%, मतलब ये आ गया 20% रिवैल्यूएशन, या आप इसको डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हो। क्या हो गया ये आपका, रिवैल्यूएशन, शॉर्टकट में लिखा हूं इसलिए कि जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए। सो 20%, 40,000 का 20%, 40,000 का 20%, दो जीरो नीचे से कैंसल हो गए, एक जीरो ऊपर का गया, एक इधर का गया, 4 2 8 एंड 3 0 है, यह आपका आंसर आ गया 8,000। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 8,000 माइनस करना है, क्या करना है आपने, 8,000 माइनस करना है, स्टॉक 40,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टू 32,000, कितना जाएगा 32,000। देन इसके बाद इसका इफेक्ट देना है पहले, अब आप देखो क्या होगा इसका इफेक्ट, एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है या बढ़ रही है, एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, कहाँ जाएगा इसका इफेक्ट, डेबिट साइड में, तो यहां लिखेंगे डेबिट साइड में टू स्टॉक, आपका स्टॉक कितना रिवैल्यूएशन हुआ, कितना रिड्यूस हुआ, 8,000 से, सो यहां आ जाएगा आपका 8,000। देन उसके बाद ये हो गया स्टॉक का आपका सेकंड इफेक्ट, उसके बाद हम देखते हैं लास्ट में मशीनरी इज रिड्यूस बाय 20%, मशीनरी को भी बोला है 20% रिड्यूस करने, सो मशीनरी में भी क्या करेंगे, हम लेस करेंगे 20% रिवैल्यूएशन, 20% रिवैल्यूएशन, उसका भी अमाउंट आ जाएगा आपका 40,000, कैलकुलेट कर लेते हैं, 70,000 इंटू 20/100, नीचे से 2 0 गया ऊपर से गया, 7 2 14 एंड 3 0 दैट इज 14,000, तो आप माइनस करोगे इसमें से 14,000 माइनस करोगे तो आपका जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, 56,000, कितना बचेगा 56,000। अब देखो यहाँ पे आपका जो वैल्यू है ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है,
रिड्यूस हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, देखो जरा 70,000 था, 70,000 में 14,000 माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद कितना बचा, 56,000 बचा। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए, इसका सेकंड इफेक्ट जाना चाहिए डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन के टू प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट इज 14,000, क्योंकि 14,000 से क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। चलो अब क्या करना है, अब हम सारे अकाउंट्स को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। उसमें सबसे पहले हम क्लोज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को, या उसके पहले हम एक काम करते हैं, वर्किंग नोट के अंदर में हमने दो अकाउंट्स बनाए हैं, एक कैश अकाउंट बनाया है और एक गुडविल अकाउंट बनाया है। इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं आया है इस सम के अंदर में, आगे के सम होंगे उसमें आ सकता है, कुछ भी होगा तो उसके हिसाब से आपने उसको काम करना है। फिलहाल इसके अंदर में आपको कुछ भी नहीं आया है, तो आपने क्या करना है, इसका बैलेंस निकालना है, इसका टोटल करना है। इधर दिया है 1 लाख, इधर दिया है 40,000, 1 लाख 40,000, 1 लाख 40,000 प्लस 80,000, 2 लाख 20,000। तो इसका जो अमाउंट आ गया आपका टोटल 2 लाख 20,000। तो यहाँ पे जो डिफरेंस बचेगा वो बचेगा 2 लाख 20,000, ये होगा आपका बैलेंस, जिसको हम बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बाय बैलेंस सीडी। ये आ गया 2,20,000। आपका देखो 80,000 रुपए था कैश, 40,000 रुपए तुमको मिला एज अ गुडविल, 80 और 40 होगा 1,20,000, 1,20,000 प्लस 1,00,000 हो गया 2,20,000। तो इसका जो इफेक्ट है, आपका जो कैश बैलेंस है, ये बैलेंस आपको क्या करना है, कैश अकाउंट में आके, सॉरी बैलेंस शीट में आके आपको लिख देना है एसेट्स में, कैश अकाउंट 2,20,000। देन उसके बाद अब क्या करना है, ये हो गया अकाउंट क्लोज। अब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, 20 प्लस 20 40, और इधर है 40। इसमें दोनों साइड का जो टोटल है वो क्या आ गया, इक्वल आ गया, मतलब इस अकाउंट के अंदर में कोई बैलेंस अवेलेबल नहीं है, तो उसका वहीं पे ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा जो अकाउंट है, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को टोटल करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। 14,000 प्लस 8,000 कितना हो जाएगा, 22,000 प्लस 2,600 ये आ गया आपका डेबिट साइड का टोटल। कितना आ गया आपका, 14 प्लस 8 22 प्लस 2 24,600। और आप देखो यहाँ पे इसका टोटल दिया हुआ है ओनली 20,000। आपको बैलेंसिंग निकालना है, बैलेंसिंग निकालने का तरीका हर जगह वही होगा आपको अकाउंट में, जैसा कि आपने पहले सीखा हुआ है। कैसे निकलेगा इसका बैलेंस, देखो अभी इसका है 24,600 और इसका टोटल होता है 20,000। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो टोटल में अमाउंट लिखनी है वो कौन सी लिखनी है, 24 या 20, 24,600 अब 24,600 में 20,000 अगर हम माइनस कर देंगे, सो 20,000 माइनस करने के बाद आंसर बचेगा 4,600। क्या आंसर बचेगा, 4,600। एंड वो 4,600 जो डिफरेंस बचेगा, ये डिफरेंस कौन से साइड में आने वाला है, इस साइड में या इस साइड में, ये डिफरेंस आएगा उस साइड में जहाँ पे टोटल का अमाउंट कम आ रहा है। तो इस साइड में आ गया 4,600। अब ये 4,600 को लिखना कैसे है, हमारे पास देखो ओल्ड पार्टनर्स, ये जो 4,600 रुपए आया, ये क्या आया इनका लॉस, क्या आया इनका लॉस। इसको लिखना कहां पे, क्रेडिट साइड में। कैसे लिखना है, बाय रिवैल्यूएशन लॉस, जिसको हम क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। यहां लिख देंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी बाय कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में ये जो कैपिटल, ये जो प्रॉफिट आया या जो लॉस आया, ये प्रॉफिट होता है उनके ओल्ड पार्टनर्स का, ये प्रॉफिट और लॉस में न्यू पार्टनर का कोई भी शेयर नहीं होगा। तो ओल्ड पार्टनर में है सुजाता
और दूसरा है ओल्ड पार्टनर में पूर्णिमा, सुजाता एंड पूर्णिमा का जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशो था वो था इक्वली, इसलिए हम क्या करेंगे जो 4600 आया था उसको दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब उसे हम दो से डिवाइड करके दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दो से डिवाइड करेंगे, 2 जा 3 जा, तो आंसर आ गया 2300, दैट इज 4600। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज। अब ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस जो आया, ये लॉस क्या होगा क्रेडिट साइड में आया है, तो क्रेडिट साइड से डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसे हम डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2 रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस था इसलिए यहां लिखा रिवैल्यूएशन लॉस। इसको आया था 2300, इसको भी आया था 2300, इसका कोई शेयर नहीं है इसलिए यहां पे कोई अमाउंट नहीं आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। इस अकाउंट को क्लोज करने में सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, अपर्णा का अकाउंट क्लोज करता हूं। अपर्णा का देखो क्रेडिट साइड में दिया हुआ है 1 लाख, तो यहां जाएगा 1 लाख। यहां पे देखो इसका कोई भी अमाउंट नहीं है, तो यह आ जाएगा 1 लाख, इधर भी आ जाएगा 1 लाख। इसका डिफरेंस आ रहा है कितना, 1 लाख, क्योंकि यहाँ का अमाउंट है 1 लाख, यहाँ का अमाउंट है 0, ज्यादा है 1 लाख, ज्यादा में से कम को माइनस किया मतलब 0 माइनस किया, तो बैलेंस बचेगा, डिफरेंस बचेगा 1 लाख। ये 1 लाख हो गया इसका कैपिटल, 2 बैलेंस कैरी डाउन, स्टार्टिंग में जो लिखा था वो लिखा था ब्रॉट डाउन, ये हो गया आपका कैरी डाउन, दैट इज 1 लाख, ये हो गया अपर्णा का। उसके बाद हम काम करते हैं पूर्णिमा का कैलकुलेट करते हैं। पूर्णिमा का अमाउंट देखो दिया है 1,40,000 प्लस 20,000 और यहाँ दिया 2,300 ओनली, तो हम क्या करेंगे 140 प्लस 2 20,000, ये हो गया 1,60,000, 140 प्लस 20 1,60,000, 1,60,000 में से हम क्या करेंगे 2,300 माइनस कर देंगे, सो 2,300 अगर हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0, 0, 10 में से 3 गया बचा 7, ऊपर लिया नीचे दिया ऊपर 10 में से 3 गया तो बचा 7, ऊपर लिया नीचे दिया हो गया 5,1,1,5,7,7,0, 1,57,700, ये आ गया इसका 1,57,700। उसके बाद हम निकालते हैं सुजाता का 1 लाख और 20,000 है और यहाँ पे है ओनली 23,000, सो माइनस करेंगे तो डिफरेंस निकालेंगे, टोटल कर लेते हैं सबसे पहले 1,20,000 सॉरी 1,60,000 यहाँ भी लिख देंगे, 1,20,000 है 1,20,000 लिख दिया, माइनस करेंगे 2,300, सो आंसर मिल जाएगा अपने को 0,07,7,1,1,1,17,700। अब ये जो आ गया ये आ गए तीनों के बैलेंसेस, तीनों पार्टनर्स के बैलेंसेस। अब ये जो बैलेंसेस आ गए, ये बैलेंसेस को आप क्या करोगे, इन बैलेंसेस को आपने लायबिलिटी साइड में जाके क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले लायबिलिटीज में लिखेंगे हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल के अंदर में अभी पार्टनर, पहले 2 पार्टनर थे, अब कितने पार्टनर्स हो गए, 3, जिसमें सबसे पहले है सुजाता, दूसरे नंबर पे है सुजाता का कैपिटल आया है 1,17,000, इसको आउटर में लिख देते हैं 1,17,700। उसके बाद में है पूर्णिमा, पूर्णिमा का अमाउंट आया था, कैपिटल आया था 1,57,700, 1,57,700। लास्ट में है अपर्णा,
तो ये भी अब पार्टनर हो गई है बिजनेस की 1 लाख। अब क्या करना है, लास्ट वाला काम है, अब आपको करना है लास्ट का काम। इतनी मेहनत आपको करनी है, वैसे भी सम आपको टोटल तो सम सॉल्व तो करना ही आप लोगों ने, लेकिन लास्ट का टोटल भी आप लोगों ने करना है। इन दोनों साइड का जो टोटल है वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। आप क्या करोगे, इस अमाउंट का पहले टोटल करोगे, यहाँ लिखोगे, और एसेट्स का जो आउटर का कॉलम है इसका टोटल करोगे और यहाँ पे लिखोगे। इस तरीके से आपका बैलेंस शीट का एसेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड का अमाउंट आपका इक्वल आ जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।